अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। परफेक्ट। भाभी भाभी जल्दी बताओ, ये शर्ट ठीक लग रहा है मुझ पर? अच्छी लग रही है, तू तो हमेशा ही अच्छा लगता है ना यार। इतना ठंडा रिस्पांस यार। चिंटू तू ही बता दे। हाँ सुन, तू बता चाचू कैसा लग रहा है? As usual very smart। As usual के बच्चे, as usual स्मार्ट नहीं लगना, एक्स्ट्रा स्मार्ट लगना है मुझे आज। ओ सलमान खान की तरह? नहीं, शाहरुख खान की तरह। मम्मा सलमान खान ज्यादा स्मार्ट है, उसकी बॉडी देखी आपने, कितनी मस्त है। तुझे नहीं पता शाहरुख खान ज्यादा स्मार्ट है, और वैसे भी चाचू को तो शाहरुख खान ही बनना है। एक मिनट एक मिनट, आपको जो बनाना है बना दो, पर एंड में मुझे अच्छा दिखना है। ओके सो कैन यू हेल्प मी प्लीज? पहले तू ये बता कि तू इतना बन ठन के इतना रोमांटिक हीरो बन के कहां जा रहा है? चाचू कहीं आप उस चुड़ैल आंटी से मिलने तो नहीं जा रहे हो, तब भी इतना स्मार्ट बन रहे हो? चिंटू चुप। अच्छा ठीक है, चिंटू को ना सही, पर मुझे तो बताओ इससे मिलने जा रहे हो? मुस्कान ना। अनु अनु सुन मेरी बात। अनु ये बताओ कि मैं कैसे लगा? ये शर्ट ठीक लग रही है मुझ पर? बहुत अच्छे लग रहे हो बिना देखे। यार बोलो ना, ठीक लग रहा हूं मैं? क्लिक क्लिक। बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही बता रही है कि कमाल का लग रहा। थैंक यू सो मच। चल बाय, आई एम गेटिंग लेट। ओके बाय भाभी, बाय बाय। रोहन आज कितना खुश है ना? मैं तो भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि मुस्कान उसकी जिंदगी में हमेशा यूं ही बनी रहे। निताई, शाम का खाना सब तैयार है? हाँ मैडम। स्वीट कोल्ड ड्रिंक सब कुछ? सब तैयार है। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं सब ठीक है। और मैडम मैं आज पेपर में पढ़ा, आज का दिन ना सबके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और अच्छा नहीं हुआ ना निताई तो तेरी खैर नहीं। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो वरना तुम्हारा दिन बहुत खराब जाएगा, समझे? सही कहा, जाओ। हाँ, भागो काम पे चलो। और तुम्हें क्या है, अपने बेटे के साथ मेरा मजाक उड़ाते रहो, मेरी मदद तो करनी नहीं है, ऊपर से बैठ के बस ताने मारे। कोई अगर तुम्हारी मदद करना भी चाहे तो कैसे करे भाई? क्यों, सब तो कर लिया तुमने है? पर वैसे भी तारा रिलैक्स, उसकी फैमिली आने वाली, थोड़ी कोई इनकम टैक्स की रेड होने वाली है। मेरे लिए इनकम टैक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये लोग, समझे? आओ आओ अनिरुद्ध, वेलकम अभी जी, वेलकम नेमी जी। हेलो आंटी। हेलो अंकल। नमस्ते, हमारे छोटे से घर में आप सबका स्वागत है। दादी जी अब तो आप खुश है ना? मैं, मेरे लिए तो अनिरुद्ध की खुशी ही मेरी खुशी है। आओ आइए ना, आइए आइए। आज का दिन तारक के सबसे खुशी का दिन होगा, है ना तारक? से हमेशा मुस्कान की चिंता रहती है, आज तो बहुत खुश हो। I really didn't know कि अनिरुद्ध मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देने वाला है। I'm surprised too. By the way, कहाँ है मुस्कान? I'm really dying to see her. बिल्कुल, मैं मुस्कान को ले आता हूँ। अनिरुद्ध तुम भी बात कर सकते हो, पनिशमेंट नहीं मिली है तुम्हें। नहीं नहीं, वो क्या है कि खुशी के मारे बेचारे की बोलती बंद हो गई है, लगता है दिमाग के डॉक्टर को अब दिल के डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। लो
कान भी आ गए। क्यों मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा? सब लोग तो खुश है मेरे लिए, और ये फैसला भी मेरा है। फिर क्यों बार बार ना चाहते हुए भी मैं रोहन के बारे में सोच रही हूँ? क्यों मुझे रोहन का ख्याल सता रहा है? क्यों? भगवान जी क्यों इम्तिहान ले रहे हो यार? 7 के 8 बज चुके हैं, इसका नहीं क्यों नहीं? लेट हो रही है तो फोन तो कर देते। जगह चूज करने के पहले सोचा तक नहीं मिस्टर मिश्रा कि यहां फोन की रेंज ही नहीं आती है। क्या कहूं, इंतजार करने के अलावा और तेरे पास कोई चॉइस नहीं मिस्टर मिश्रा। बड़े दिनों बाद घर का खाना नसीब हुआ है अविनाश जी, हैं? लंदन में ये इकलौता सुख है जो मैं मिस करता हूं। हाँ बेटा, जब देसी बहू में भी अंग्रेजी दिल लग गया है तो फिर ऐसा खाना तुम्हें नसीब होगा कहाँ, है ना? माँ छोड़ो ये सब। अविनाश जी अब शगुन की रस्म तो पूरी हो गई, क्यों ना इन दोनों की जल्द से जल्द हम शादी करवा दे, चट मंगनी पट ब्याह। इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग तो यहाँ सिर्फ 2 ही हफ्तों के लिए है। अब मुस्कान जैसी सुंदर और सुशील बहू पाने के लिए मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। करेक्ट निमी, हम जल्दी से वेन्यू और डेट फिक्स कर दे। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी को फोन कर देती हूँ मुहूर्त की तारीख निकलवाने के लिए। मुस्कान, एंबैरस हो रही है, मैं भी बहुत एम्बैरेस हो रहा हूँ। देखो ना कितने खुश है, तुम्हें बहुत खुश रखें, दादी मॉम डैड सब। ओहो, अब इन लव बर्ड्स के लिए एक एक पल भी दूर है ना मुश्किल हो रहा है। तारा, मुझे लगता है पंडित जी को कहकर जल्द से जल्द 1-2 दिनों में इनकी शादी करवा देते हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हैं, अंग्रेजी नहीं बनी। रोहन का फोन नहीं लग रहा, मैसेज करके देखती हूँ। ये मैसेज क्यों नहीं जा रहा? अब क्या करूँ? कॉल करती हूँ। फोन भी अनरीचेबल है, मतलब रोहन इस वक्त बीच पर है। अब क्या करूं, कैसे कांटेक्ट करूं मैं उसे? सात बजे बुलाया था, 9 बज चुके हैं यार।
दो घंटा कैसे लेट हो सकता है? Come on. क्या करूं? Brilliant idea. मैं पीसीओ से फोन कर लेता हूं ना। स्मार्ट मिस्टर रोहन मिश्रा, तो वहां पीसीओ पे फोन करने जाएगा और यहां मुस्कान आ गई तो क्या करूं? हेलो, अरे मुनिया को स्कूल भेज रही हो ना? देखो बच्चों को स्कूल भेजना हा? और बापू को तबीयत कैसी है? भगवान जी, आप किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हो हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करना, हम यहाँ ठीक ठाक है। हाँ नहीं, वो मनी ऑर्डर कर, बुट्टा चाहिए साहब। नहीं, आपका फोन चाहिए। वो क्या है कि मेरे फोन पे रेंज नहीं है और मुझे एक अर्जेंट फोन करना था, प्लीज। उसके लिए एक बुट्टा खरीदना पड़ेगा साहब। अरे चाचा, दो खरीदूंगा, डोंट वरी, प्लीज। क्या बात है, तुम मीठा नहीं खा रही? हाउ स्वीट। अनिरुद्ध बेटा, कितना ख्याल रखते हो तुम मुस्कान का। मुस्कान, फॉर गॉड से एक फोन उठाओ। समझ में आया कि शहर लोग प्यार को निगालिया क्यों देते। 4 घंटे हो गए यार, दिमाग कह रहा है कि मुस्कान नहीं आएगी, पर इस कमबख्त दिल को बड़ा ट्रस्ट है उस पर। क्या करूं, आँख की सुनो या दिल की? कहीं रोहन अभी बीच में मेरा वेट तो नहीं कर रहा होगा? नहीं, बहुत देर हो गई है। आई एम श्योर कि वो गुस्सा होकर पक्का घर लौट गया होगा। व्हाट्स अप मिस दुग्गल? मुस्कान, तुम कुछ सोच रही थी, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। यशो, अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो? अनिरुद्ध बेटा, एक पुलिस ऑफिसर की तरह क्यों सवाल पूछ रहे मेरी होने वाली बहू से? अरे जिस लड़की की शादी होने वाली होती है उसके पास बहुत सारी चीजें होती है सोचने के लिए, जैसे ब्राइडल वेयर, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह।
और शादी में अभी थोड़ा ही वक्त बाकी है, लेकिन मुस्कान बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। एक मिनट। थैंक यू। फेवरेट मिठाई मेरी होने वाली बहू के लिए। मुस्कान ओ गॉड आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं निताई, निताई पानी लाना। अरे क्या हुआ? आई एम फाइन, मैं पानी। अरे एक्सक्यूज मी, जरा देख के आता हूँ। शी इज ओके, बौजी की बेटी है, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। आप लोग नीचे आइए ना, आइए प्लीज, कम आ जाओ प्लीज, कम। पांच मिस कॉल्स, ये किसका नंबर है? कहीं रोहन ने तो मुझे किसी और के नंबर से फोन नहीं किया? मुझे कॉल पैक करके चेक करना चाहिए। हेलो जी, मुझे इस नंबर से मिस कॉल्स आए थे, ये किसका नंबर है? हाँ मैडम, वो कहना कि वो एक साहब थे यहाँ पे बीच पे, उन्होंने ही हमसे फोन मांगा था, वही हो सकते हैं, बाकी हमने तो नहीं मिलाया फोन। क्या आप मेरी उनसे बात करा सकते हो? वो अभी भी वही है बीच पर? अब वो कहाँ है पता नहीं, पर हम तो घर आ गए हैं, बात नहीं कर पाएंगे हम। ओके